हेलो दोस्तों यूट्यूब के हमारे चैनल आपका स्वागत है आइए जिस वीडियो में हम देखेंगे एक टी सीरीज का चौदह इंच का पोर्टेबल टीवी में क्या प्रॉब्लम है और इसको देखते हैं क्या इसमें दिक्कतें हैं और इसको फिर चेक करेंगे पहले पावर दे देखते हैं और इसमें क्या दिक्कत होता है और आगे देखते हैं तो हमने पावर दे दिए और स्टैंड बाई का बटन दिख यानी एल दिख रहा है और कि स्टैंड बाई का रेडी वक्त दीजिए और इसको बटन को यानी चैनल प्रेस करने से एयर रिलीज हो जाता है तो हमने इसको दबाएँ और देखते हैं इसमें ये टीवी ऑन होता है या नहीं होता है क्या दिक्कत है तो हम देखते हैं ऑन ऑन क्या आवाज़ आता है इसमें जो रिले जो रिले ड्राइव करता है उस टाइप से आवाज़ आ रहा है लेकिन ये साउंड आपको माइक में सुना नहीं पड़ सकता है तो देखें कि ड्राइव कर रहा है लेकिन टीवी ऑन नहीं हो रहा है तो चलिए खोलते हैं और पीछे से खोल के इसको दिखाते हैं या देखते हैं इसमें क्या दिक्कत है तो अभी इस, इसको पीछे वाले खोलते हैं और खोल के सर्किट का पैनल पैनल यानी सॉकेट को है दो चटो को निकाल लेते हैं इसका जो किट को बेस है इसको निकालना पड़ेगा थोड़ा सा क्योंकि इसमें बेस में लगा हुआ रहने से वो ठीक लेता और किट को पलट के चेक करते हैं तो इसका पहले मेन मोटिव जाते हैं इसको पहले देखते हैं बारह वोल्ट और पाँच वोल्ट चेक करेंगे और ये बारह बोल्ट देखिए यहाँ पर दिख रहा है बारह वोल्ट टोके है जो रिले को ड्राइव कराता है और पाँच वोल्ट तो आई पे जाता है तो पाँच वोल्ट भी आ रहा है और बारह वोल्ट भी आ रहा है और यहाँ से रिले से एक सौ दस बोल्ट रिलीज करता है जो कि एस टी पे जाती है तो अभी वो चेक करते हैं और ये कहाँ कहाँ तक वोल्टेज पास करता है और नहीं करता है तो ये पाँच वोल्ट भी ठीक है और बारह वोल्ट भी ठीक है तो इसको देखेंगे रिलीज करके स्टैंड बाई को अगर रिलीज करते हैं वोल्टेज इसका ए सी वोल्ट सॉरी इसका डी सी वोल्ट यानी एस टी तक तो पहुँचता है कि नहीं है या एक सौ दस वोल्ट बन रहा है कि नहीं है रिले तो ऑन हो रहा है लेकिन इसका जब ऑन किया तब सुनाई दे रहा है कि रिले ड्राइव कर रहा है लेकिन एक सौ दस वोल्ट रिलीज शायद नहीं कर रहा तो अब उसी को चेक करते हैं कि ये एक सौ दस बोल्ट इसमें बन रहा है या नहीं बन रहा है किस कारण से इसको एक सौ दस बोल्ट आगे नहीं जा रहा है तो अब चेक करते हैं बारीकी से अब देखते हैं इसको चेक करके तो पहले आउटपुट देखते हैं कि एक सौ दस बोल्ट होता है जो कंडेंसर में लगी रहता है तो उसमें चेक करते हैं तो यहाँ से एक सौ दस, दस बोल्ट आपको नहीं दिख रहा है तो ये देख लिए और ये देखिए यहाँ का रिले है तो रिले से जैसे रिले ड्राइव करता है तो एक सौ दस बोल्ट बनना शुरू हो जाता है तो अभी ये रिले है और ये हमने पहले ए चेक कर लेते हैं जो ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी में होता है तो इसमें देखते हैं उनतीस वोल्ट दिखाई दे रहा है और रिले का ये देखिए आउटपुट यानी जैसे रिले ऑन हो जाता है तो यहाँ से वोल्टेज रिलीज होता है और इधर का पॉइंट में जो ऑन ऑफ का होता है वहाँ तो ठीक है और जैसे इसको रिलीज हो ऑन हो जाता है यहाँ से आपका पावर निकलना शुरू हो जाता है तो देखते हैं ये वोल्टेज ए से फिर जैसे ही ऑन करते हैं इसका वोल्टेज बढ़ जाता है तो पहले आप चेक करेंगे कि ये वोल्टेज आगे बढ़ रहा कि नहीं है ये देखिए अब तीस वोल्ट दिख रहा है और यहाँ जो रिले में दूसरा पॉइंट लगा हुआ है उस पर चेक करते हैं कि ये पावर जा रहा कि नहीं जा रहा तो अब देखते हैं इसमें पावर कहाँ तक पहुँच रहा है ये देखिए पावर जो रिले ऑन कर चुके हैं लेकिन रिले का दूसरा छोर जो होता है रिले ऑन करने का दूसरा साइड होता है जो वहाँ पर वोल्टेज ये नहीं आ रहा है यानी इस जगह आप देखिए थोड़ा दिखाने की कोशिश करते हैं या गौर से देखिए ये जो रिले का दूसरा छोर होता है जो ऑन होने से वोल्टेज आपका आउटपुट शो होता है तो इसमें कुछ कारण से ड्राई होने कारण से और वोल्टेज ये रिलीज नहीं हो पा रहा है तो इसको देखते हैं इसको रिलीज नहीं होता तो उसको पहले ड्राई होगा तो पहले सोल्डिंग मार के देखते हैं फिर अगर ड्राई टाइप लग रहा तो बोल्ट, बोल्ट है तो ड्राई होगा क्योंकि वोल्टेज यहाँ पर जो हमने उनतीस वोल्ट तीस वोल्ट के आसपास हो ए सी मापे तो उसमें वोल्टेज आगे नहीं बढ़ा तो अभी इसको देखते हैं इसको सोल्डिंग मार के कि सोल्ड ड्राई मारने के बाद अगर काम करना शुरू हो जाता तो ठीक है या कहीं आगे शॉर्ट है तो उसको फिर चेक करेंगे पहले तो इसको ड्राई मार के देखते हैं अगर ठीक हो जाता है तो हमारा काम सक्सेस यानी कंप्लीट और नहीं है तो फिर आगे चेक करेंगे और फिर देखेंगे इसको क्या दिक्कत है हमने इसमें ड्राई सोल्डिंग मार दिए और फिर अभी पावर दे के अब उसको चेक करेंगे वोल्टेज कि हमारा वोल्टेज सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है तो अभी पावर दे दिए हैं और फिर वोल्टेज इसको चेक करते हैं तो ये देखो उनतीस वोल्ट तो पहले से दिख रहा था ये ठीक है और यहाँ जो आउटपुट उसको देखते हैं क्योंकि अभी रिलीज किए नहीं अब इसको बटन प्रेस करते हैं आगे से क्योंकि इसको डायरेक्टली ऑन नहीं होता है तो ये देखिए 51 वन वोल्टेज ए आ गया और ये देखिए 51 वन वन आ गया और इसको आउटपुट अब चले चेक करेंगे तो अभी ये डी सी बोल्ट मापते हैं दूसरे के रेंज पे लगाते हैं और देखते हैं इसका वोल्टेज आउटपुट एक सौ दस वोल्ट बना या नहीं बना तो ये देखिए हमारे मीटर में थोड़ा एक पॉइंट ठीक से नहीं दिख रहा तो आप समझिए कि इसमें एक सौ दस वोल्ट दिख देखिए मतलब आपको गौर से दिखाने की कोशिश करते हैं और ये हमारा ई एच टी का वोल्टेज चेक करते हैं कि एक सौ पचहत्तर दिख रहा है मतलब ई एस टी बन चुका है और आपको भी स्क्रीन तरफ ले चलेंगे तो पहले हमारा वोल्टेज यहीं चेक करके देखते हैं कि आउटपुट होने के बाद ये ई एस टी बन रहा है या नहीं बन रहा है डायरेक्टली उसी में चेक कर लेते हैं ताकि एस टी जिस टाइप से रिलीज होता है बना कि नहीं और ये देखिए स्क्रीन पहले चले तो ये देखिए ट्रिस स्रिज का लुगा दिख रहा है और ये देखिए ब्लू बक के साथ टी वी दिख रहा है यानी इसका फोल्ड था जो ड्राई का फोल्ड था और फ्रंट से आप चेक करने के मतलब